हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक आउट ब्रीडिंग एंड आउट क्रॉसिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन ब्रीडिंग। व्हाट इज इन ब्रीडिंग? जब सेम ब्रीड के या फिर एकदम समान नस्ल के, एकदम का मतलब ये कि 4 to 6 जनरेशन का बीच गैप नहीं होना चाहिए, जिनके बीच में क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, जिनके बीच में 4 to 6 जनरेशन का गैप ना हो और सेम ब्रीड के हों, उनके बीच यदि ब्रीडिंग करवाई जाए या मैटिंग करवाई जाए तो ये ब्रीड कहलाती है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग अगर कंटिन्यूसली हम करवा रहे हैं, थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं, इन ब्रीडिंग यदि हम कंटिन्यूसली हो रही है तो इससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, और यदि लगातार बार बार सिर्फ इन ब्रीडिंग करवाई जाए तो प्योर लाइन हमको प्रोजेनी मिलती है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है, लगातार कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग करवाते रहने से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इससे हम कैसे उभर सकते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे आगे। आज कंटिन्यू करते हैं आउट ब्रीडिंग। व्हाट इज आउट ब्रीडिंग? फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्रॉस करवाया जाए दो भिन्न नस्लों के बीच, या डिफरेंट नस्लों या डिफरेंट ब्रीड्स के बीच यदि मैटिंग करवाई जाए, दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, किसी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं है जिनके बीच, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, इसको हम आउट क्रॉसिंग भी बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग में कौन कौन आता है? आउट क्रॉस भी आता है, क्रॉस ब्रीडिंग भी आता है। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग में फर्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि सेम ब्रीड होनी चाहिए, एंड मतलब सेम ब्रीड हो सकती है, लेकिन सेम ब्रीड का कंडीशन ये है कि दोनों के बीच नो कॉमन एंसेस्टर, किसी प्रकार के पूर्वज समान नहीं होने चाहिए। मतलब फीमेल का भी दादा वही होना चाहिए और मेल का भी दादा वही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन नीट में पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए। नो कॉमन एंसेस्टर फॉर आउट ब्रीडिंग, और कब तक नहीं होने चाहिए? फॉर 4 to 6 जनरेशन, इसको हम बोल सकते हैं आउट क्रॉसिंग। सेकेंड हमारी जो कंडीशन है या शर्त है वो ये है, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, यदि वो डिफरेंट ब्रीड के हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग। थर्ड हमारी कंडीशन ये हो सकती है, और डिफरेंट स्पीसीज मतलब अलग जाति के भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दो मुख्य हमने तकनीक पढ़ी थी, दो तरीके पढ़े थे, फर्स्ट था इनब्रीडिंग एंड सेकेंड इज आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में सेम नस्ल, सेम ब्रीड्स के एनिमल्स जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं, 4 to 6 जनरेशन का कंडीशन, या फिर 4 to 6 जनरेशन के बीच गैप नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज आउट ब्रीडिंग, इसमें 3 शर्त होनी चाहिए। फर्स्ट इज सेम ब्रीड हो सकती है लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक के। सेकेंड कंडीशन ये है डिफरेंट ब्रीड के हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। एंड थर्ड इस कंडीशन जो है वो हमारी ये है कि डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आउट क्रॉसिंग को। आउट क्रॉसिंग जो यहाँ पे हम देख चुके हैं, नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या है? आउट क्रॉसिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है मैटिंग की, प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या करते हैं, हम सेम ब्रीड के बीच में मैटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, जो कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, अप टू 4 to 6 जनरेशन। अगर 4 to 6 जनरेशन मतलब फीमेल जो है उसके और मेल दोनों के ऊपर, मतलब जो पूर्वज हैं 4 से 6 जनरेशन, मतलब दोनों के दादा परदादा के ऊपर भी 4 से 6 जनरेशन के बीच, कम से कम 4 जनरेशन। ठीक है, मतलब पापा दादा परदादा और बोल सकते हैं कंडीशन। ठीक है, तो कम से कम 4 जनरेशन और ज्यादा से ज्यादा 6 जनरेशन, इस इतनों के बीच कोई कॉमन, मतलब मेल का भी दादा परदादा और फीमेल का भी दादा परदादा बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। ऑफस्प्रिंग इज नोन एज एन आउटक्रॉस, ऐसे ब्रीडिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग या जो बच्चे मिलते हैं उनको हम आउट क्रॉस कहते हैं।
बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है। अब तक का ब्रीडिंग मेथड जो है उसमें बेस्ट ब्रीडिंग मेथड क्या कहलाता है, आउट क्रॉसिंग कहलाती है, क्योंकि जो इसमें ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क। यदि मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी कम है उसके लिए, या फिर जो बिलो एवरेज है मतलब एवरेज से भी नीचे तबके के जो एनिमल्स हैं उनके लिए ये ब्रीडिंग मेथड बेस्ट कहलाती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, जो जिनका मांस खाने के लिए उपयोग किया जाता है, बीफ कैटल और मिल्क प्रोडक्शन के जो भी एनिमल्स हैं जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए ये ब्रीडिंग मेथड बेस्ट है। अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इनब्रीडिंग अगर कंटिन्यूअसली कराई जा रही है तो प्रोडक्टिविटी एंड इनफर्टिलिटी में कमी आती है। ठीक है, तो मतलब इनफर्टिलिटी हो जाती है या फर्टाइल नहीं रहते वो, और प्रोडक्टिविटी भी उनकी डाउन हो जाती है या बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से निजात पाने के लिए या फिर उसका इलाज करने के लिए सिंगल आउटक्रॉस ही काफी है। एक सिंगल आउटक्रॉस हेल्प कर सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका नीट में है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए या फिर इससे ओवरकम होने के लिए कौन सा क्रॉस या कौन सी तकनीक उपयोग में लाई जाती है। तो आपको याद रखना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से का उपयोग या इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से का इलाज करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग करवाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे पेज एसआरबी साइंस को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।